हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता डिजाइन। सो फ्रेंड, इस तरह की डिजाइनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो आज हम इस नेक डिजाइन को बनाने वाले हैं। ये बहुत यूनिक एंड क्लासी है। सो आज मैं इस नेक डिजाइन को फुल डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने टॉप को कट कर लिया है। शोल्डर के लिए मैंने 7 इंचेस पर मार्क किया है एंड आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंचेस पर मार्क किया है। ये हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम अलग कर देते हैं। नेक विड्थ के लिए मैंने 3 इंचेस पर मार्क किया है एंड नेक डेप के लिए 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे एंड वी शेप देते हुए मार्किंग करनी है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। सो नाउ हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्क किया है विड्थ के लिए एंड नेक डीप के लिए 1/2 इंचेस पर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करना है हमको। तो इस तरह से फ्रंट एंड बैक पार्ट को रखेंगे एंड शोल्डर को हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से अब हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। सो ना अब हम कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से रख देंगे और इंची टेप से मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारा 10.5 इंचेस पे हमारी नेक आया है। 7 इंचेस की विड्थ लेंगे एंड 42 इंचेस की हमने लेंथ ली है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रख देंगे 4 फोल्ड में। सो ऊपर से हम 10.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और उसके नीचे से 1/2 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो अब नीचे से हम हल्का सा तिरछा करते हुए हमको मार्किंग करनी है। अब जो हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ से हम ऊपर से 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो अब हम यहाँ 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरीके से हमको वी शेप में इस पर मार्किंग करनी है एंड दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो ना अब जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर देंगे यहाँ से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे सिलाई लगाने के बाद। तो फ्रंट हल्का सा इस तरीके से कट लगाना है जिससे कि हम फिनिशिंग से अपने कॉलर को सीधा कर सके। सो यू कैन सी फ्रेंड, इस तरीके से हमारा कॉलर बनकर रेडी होगा। अब हम इसको नेक में अटैच करेंगे। यहाँ से हमने मिड में से कट लगा लिया है एंड जो हमारा टॉप है इस नेक पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। यहाँ दोनों कट्स को मिलाते हुए हमको स्टिच करनी है। पहले हम एक साइड से स्टिच कर देंगे, देन हम फिर दूसरी साइड से स्टिच कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब देखिए इस तरीके से हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम अंदर से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच सिलाई लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ हमने स्टिच कर दिया है, कितनी फिनिशिंग से हमारा स्टिचिंग हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर बनकर रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने स्क्वायर फैब्रिक लिया है
जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंचेस ली है एंड लंबाई भी हमने 3.5 इंचेस ली है, अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे एंड दूसरी साइड से भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इन दोनों को मिलाकर यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। अब हम सीधा करेंगे इसको। तो सीधा करने के बाद इस तरीके से अपने कॉलर को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और दूसरा भी हमको इस तरीके से ही इंसर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कॉलर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ हम चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। देन नाउ हम स्लिप्स कट करेंगे। यहाँ हमने 2 इंचेस पर मार्क किया है। इंचेस पर मार्क करने के बाद यहाँ से हम 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरीके से 1.5 इंचेस पर मार्क कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने मार्किंग कर लिया। अब हम ट्रेंडिंग जो ट्रेंड में चल रही है हम वो बना रहे हैं। इस तरीके से हल्की प्लेट डालते हुए हमको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस जो हमने मार्किंग की थी 1.5 इंचेस पर, इस तरीके से हम वहाँ पर स्टिच करते जाएंगे। यहाँ हम बहुत ट्रेंडिंग जो स्लिप चल रही है बहुत खूबसूरत स्लिप्स का डिज़ाइन बनाएंगे। सो यू कैन सी फ्रेंड, ये हमारी बहुत खूबसूरत सी ट्रेंडिंग स्लिप्स बनकर रेडी है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए। सो अब हम स्लिप्स को अपने टॉप में अटैच कर लेंगे एंड अपनी फिटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा एकदम स्टाइलिश मार्केट जैसा टॉप बनकर रेडी है। कुछ इस तरीके से जो कॉलर होता है फ्रेंड, इस तरीके का कॉलर हमको एकदम रेडीमेड स्टाइल टॉप का लुक देता है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।